एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखिए, हमने वस्तुओं के आवेशन की विधियां पढ़ी है, उसमें एक विधि पढ़ी है घर्षण द्वारा आवेशन। अर्थात जब दो वस्तुएं होती है हमारे पास में और जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे एक कांच की वस्तु है, कांच की छड़ है, और दूसरे हमारा पास में है रेशम का कपड़ा, और जब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के ऊपर आ जाता है धनावेश और दूसरी वस्तु के ऊपर आ जाता है ऋणावेश। ये हमने देखा था और ये हमें क्वेश्चन में भी बता रखा है कि दोनों पर आवेश आ जाता है। एक्चुअल में इनमें हुआ क्या है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि एक वस्तु के अंदर जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ये ऋणावेशित होता है, तो जिस वस्तु पर ये जाएगा उस पर ऋणावेश आ जाएगा और जिस वस्तु में से ये बाहर निकलेगा उसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। तो दोनों पर आवेश आ जाता है, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे धनावेश है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ऋणावेश है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो एक वस्तु के अंदर आवेशों की कमी, दूसरे पर आवेशों की अधिकता होती है, एक पर धनावेश तो दूसरे पर ऋणावेश होता है। लेकिन आप यदि इस घटना को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, दोनों को जब आपस में रगड़ते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर जाता है, तो एक पर जितना धनावेश आता है दूसरी वस्तु पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश आता है। कुल जो आवेश है वो सुन एक पर जैसे प्लस क्यों चार्ज आ गया इस पर, तो इसके ऊपर माइनस क्यों आएगा, और कुल जो यदि आवेश यदि आप देखें तो वो जीरो आएगा, क्योंकि यही है आवेश संरक्षण नियम कि किसी दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ लें तो जितना आवेश इनके प्रारंभ में था रगड़ने के पश्चात भी उतना ही आवेश रहेगा। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर या आवेशन की किसी भी प्रक्रिया के अंदर, किसी भी परिघटना के अंदर जितना आवेश पहले रहता है उतना ही आवेश बाद में रहता है। अर्थात आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, और यही है आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम, जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो भी यही होता है, आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए, आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का फिफ्थ क्वेश्चन।